वहीं हिमाचल के जिला कुल्लू ब्लॉक के तहत 5 जिला परिषद वार्ड बने हुए हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी रण को पार करने की तैयारी में जुटे हैं। बुधवार को नामांकन वापस के दिन डुगलिग वार्ड में एक महिला उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। अब 14 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। कुल्लू ब्लॉक के पास जिला परिषद वार्ड में जरडो भुट्टे वार्ड ने कांग्रेस समर्थित आशा देवी और बीजेपी समर्थित चैतन्य देवी ने अपना नामांकन भरा है। वहीं ज्येष्ठ वार्ड से कांग्रेस ने अपने समर्थित उम्मीदवार डोलमा को मैदान में उतारा है। एसडीएम कुल्लू अमित गुलेरिया ने बताया कि नामांकन वापस के दिन डुगलिग वार्ड में एक महिला ने नाम वापस लिया है और 5 वार्ड से 14 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह बांट दिए गए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।